हाय गाइस, वेलकम टू यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2019 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। और अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआरएम का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये क्विजेस टेलीग्राम पे भी अटेंड करनी है सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए क्विज को शुरू करते हैं। सो अर्लियर वीडियोज में हमने आपको बताया था कि क्विजेस को कैसे अटेंड करना है, कैसे हमारी वेबसाइट विजिट करनी है और हमारे क्विजेस सेक्शन में कैसे जाना है। सो हम डे 17 के क्विज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप इसे बिगिन करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट बॉडीज ऑफ WTO? WTO है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए और कोई भी डिस्प्यूट होता है कंट्रीज के बीच में रिलेटेड टू देयर ट्रेड पॉलिसीज, सो इसको सेटल करता है WTO। सो WTO की कुछ बॉडीज हैं। सो यहाँ पे कौन कौन सी बॉडीज जो है WTO से रिलेट करती हैं। सो सबसे पहली बॉडी है आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। सो ये WTO का पार्ट है। अगर कोई भी दो कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड सो इसको WTO जो है वो मैनेज करता है और इसको सेटल करता है। सो यहाँ पे जो आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये WTO का पार्ट है। अगर हम नाफ्टा की बात करें सो नाफ्टा इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है बेसिकली ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है बिटवीन द USA, कैनेडा एंड मेक्सिको। सो बेसिकली यहाँ पे जो USA, कैनेडा एंड मेक्सिको का आप ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे सो ये नियर बाई कंट्रीज हैं। सो इन्होंने ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया था दैट इज कॉल्ड द नाफ्टा। सो ये बेसिकली WTO का पार्ट नहीं है, ये एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर हम ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की बात करें सो ट्रेड पॉलिसी आपकी होती है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। सो बेसिकली इसको कंट्रीज फॉर्म करती हैं वाइल ट्रेडिंग विद ईच अदर। सो बेसिकली ये जो ट्रेड पॉलिसी है कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री को फेवर करे और किसी पर्टिकुलर कंट्री पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा दे सो दैट उस कंट्री से आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएं या एक्सपोर्ट्स आप नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री के साथ ऐसा अनफेवरेबल बिहेवियर कर रहे हैं सो ये बेसिकली ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो होती है वो चेक करती है WTO की। सो ये जो है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी ये WTO का पार्ट है। अगर हम एशियन की बात करें सो एशियन बेसिकली 10 कंट्री जो 10 सदरन कंट्रीज हैं एशिया की, ये इनका एक ग्रुप है इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप। सो बेसिकली यहाँ पे जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है 10 कंट्रीज का साउथ एशिया के अंदर। सो ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना कि WTO का पार्ट है। अब इसके अंदर जो 10 कंट्रीज हैं आप हमें कमेंट में करके बताइए कि आप क्या इंडिया एशियन का पार्ट है या नहीं है। चलिए काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। सो बेसिकली अगर हम WTO की बात करें सो इसके अंदर काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे जो हैं ये एक WTO के पार्ट हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 6 जो है ये भी आपका WTO का पार्ट होगा। अगर हम GATT दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड अगर हम इसकी बात करें सो ये अर्लियर नेम था WTO का। सो ये बेसिकली 1995 में GATT दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस करके WTO एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। बिफोर दैट जो GATT था ये बेसिकली एक एग्रीमेंट था ना कि कोई एक सेपरेट बॉडी थी। सो बेसिकली इस एग्रीमेंट को ब्रेक करके 1995 में WTO से रिप्लेस कर दिया गया था। सो अगर हम बात करें सो GATT इज नॉट अ पार्ट ऑफ WTO बट इट वॉज द अर्लियर नेम ऑफ WTO। सो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका WTO का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 3 आपका WTO का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 5 एंड 6 आपका WTO का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1, 3, 5 एंड 6 जो हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट इज फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड गवर्नमेंट कैन कंसंट्रेट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस कर सकती है बिकॉज गवर्नमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंसिडर नहीं करना होता, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट है आपकी ये करेक्ट है बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और करेंसीज की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हो जाती हैं बेस्ड ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस कर सकती है। नाउ अगर हम रीजन की बात करें
automatic adjustment balance of payment is achieved in case of free exchange rate through changes in the exchange rate. So basically यहाँ पे बोला गया है जो balance of payment के अंदर automatic correction हो जाता है under flexible exchange rate system. So इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं सो दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऑटोमेटिक करेक्शन कैसे होता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर. तो चलिए देखते हैं. सपोज आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के अंदर है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाता कब है? जब आपके इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं. सो इस सिचुएशन में जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये डेफिसिट में चला जाता है. नाउ अगर हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं ज्यादा सो हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी. फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है, अब यहाँ पे हम फॉरेन करेंसी को डॉलर लेके चलते हैं, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो आपकी इंक्रीज होगी. सो बेसिकली अगर आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी, अब यहाँ पे इंक्रीज क्यों होगी? बिकॉज जो भी इंपोर्ट्स किए जाते हैं इंपोर्ट्स के बिल को फॉरेन करेंसी के अंदर पे किया जाता है. आप इसके लिए आप डॉलर यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए गोल्ड यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए IMF का जो FDR बास्केट होता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली ये सब मेथड्स हैं आपके पेमेंट करने के लिए. बट यहाँ पे हम फॉरेन करेंसी, यहाँ पे हम करेंसी के एक्सचेंज रेट की बात करें सो यहाँ पे हम डॉलर को लेके चलेंगे. सो अगर आप डॉलर की डिमांड ज़्यादा करेंगे बिकॉज आपको इंपोर्ट्स के बिल पे करने हैं, सो यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगी. बिकॉज अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है सो वो चीज़ अप्रिशिएट होती है. अगर आपका यहाँ पे डॉलर अप्रिशिएट होगा तो रिलेटिवली आपकी जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होगी. इन द सेम केस यहाँ पे जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में चला जाएगा. नाउ अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है, रुपी आपकी डेप्रिशिएट हो रही है, अगर रुपी डेप्रिशिएट होगी इससे क्या होगा? सो देखिए अगर आपकी रुपी डेप्रिशिएट होगी सो इससे क्या होगा? बेसिकली आपके जो है इंपोर्ट्स वो रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे जो आपके रुपीज़ हैं ये डेप्रिशिएट हो रही है. सो डेप्रिशिएट होने से आपको डॉलर जो है वो महंगा पड़ेगा. सो आप डॉलर अगर आपके पास महंगा पड़े तो आप इंपोर्ट्स कम कर देंगे बिकॉज आपको वो जो परचेस है वो महंगी पड़ रही है. सो इंपोर्ट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे. बिकॉज एक्सपोर्ट्स आपके इंक्रीज क्यों होंगे? बिकॉज जो US है या फॉरेन कंट्री है उसके लिए रुपी जो है वो सस्ता है. सो यहाँ पे जो है वो अगर इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, वो इंपोर्ट कर रहे हैं सो उनको रुपी सस्ते में मिल रही है बिकॉज रुपी इज डेप्रिशिएटेड. सो उनके जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. सो इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा. देखिए पहले क्या था, इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट्स हमारे कम थे. अब देखिए हमारे इंपोर्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं. सो आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली कैसे करेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द रुपी एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन. नाउ सो अगर हम यहाँ पे बोथ ही स्टेटमेंट्स को देखें सो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं. सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. डिवेल्युएशन इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. सो बेसिकली डिवेल्युएशन होता क्या है? सो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि डिवेल्युएशन क्या होता है और डेप्रिशिएशन क्या होता है. देखिए जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है यहाँ पे आपको जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी की वैल्यू कम हो रही है सो यहाँ पे जो आपकी टर्मिनोलॉजी यूज होगी दैट इज डिवेल्युएशन. और फ्लेक्सिबल के अंदर होगा वो आपका होगा डेप्रिशिएशन. सो अगर आप ध्यान से देखें सो यहाँ पे जो आपका है डिवेल्युएशन और यहाँ पे डेप्रिशिएशन, ये टर्मिनोलॉजी कैसे आई? सो देखिए फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर जो रुपी है वो फ्रीली मूव नहीं करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है. सो गवर्नमेंट जब भी इंटरवीन करेगी और रुपी को खुद ही डेप्रिशिएट करेगी या खुद ही उसकी वैल्यू कम करेगी सो उसको डीवैल्यू किया जाता है. अगर रुपी खुद से ही डाउन जा रही है दैट इज अगर वो फ्री फ्लोटिंग है और खुद से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है सो उसको डेप्रिशिएशन कहा जाता है. सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर डेप्रिशिएशन वर्ड यूज किया जाता है और फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर डिवेल्युएशन वर्ड. सो जब भी आपका डिवेल्युएशन होगा सो यहाँ पे आपकी जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होगी दैट इज रुपी की वैल्यू कम होगी. अगर रुपी की वैल्यू कम होगी सो इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे, एक्सपोर्ट्स जो हैं इंक्रीज होंगे. सो इससे आप देख सकते हैं
सो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है तो इससे हमारे इंपोर्ट्स कैसे डिक्रीज हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं. सो अगर आपका ऑप्शन नंबर वन देखिए, दैट इज डिवेल्युएशन इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. सो बेसिकली डिवेल्युएशन से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इंप्रूव हो जाता है. यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका रिड्यूस हो जाएगा. बिकॉज आप देख सकते हैं आपके इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स कम होंगे तो आपको पेमेंट्स कम करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं सो बेसिकली आपको फॉरेन करेंसी ज़्यादा रिसीव होगी. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, डिवेल्युएशन लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स. सो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपका डिवेल्युएशन हो रहा है तो प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉन्ट्रडिक्ट्री हैं यहाँ पे ये. सो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज. सो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या होता है, अगर आपकी कंट्री की इनकम बढ़ रही है सो आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंट्री का बढ़ता है. सो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो कंट्री के लोग हैं वो फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लग जाते हैं. सो बेसिकली इसको जो मेजर किया जाता है उसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट. सो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा द रेशियो ऑफ चेंज इन इंपोर्ट्स टू द चेंज इन नेशनल इनकम. सो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट ट्रेंच पॉलिसी ऑफ आईएमएफ क्रेडिट इज मेड अवेलेबल इन. सो क्रेडिट ट्रेंच पॉलिसी आईएमएफ की है, उसके अंदर क्रेडिट जो अवेलेबल कराया जाता है वो कैसे कराया जाता है. सो बेसिकली जब भी आईएमएफ के पास कोई कंट्री लोन के लिए जाती है या उससे हेल्प के लिए जाती है, सो आईएमएफ एक बार में ही सारा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है. वो जो मनी प्रोवाइड करता है टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट वो कुछ स्टेजेस में प्रोवाइड करता है, ना कि आपको एक साथ ही सारा मनी प्रोवाइड कर दिया जाता है. सो वो होती है फोर ट्रेंचेस के अंदर. बेसिकली आपको चार बार में मनी को प्रोवाइड किया जाता है और वो ईच इक्विवेलेंट होती है 25% ऑफ द कंट्री कोटा. सो बेसिकली आपका जो कंट्री का कोटा होता है बेसिकली यहाँ पे जो कंट्री की जो लिमिट है आईएमएफ में जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे उसका कंट्री का कोटा सेट किया जाता है और यहाँ उसके बेसिस पे फोर ट्रेंचेस में उसको प्रोवाइड किया जाता है. बेसिकली यहाँ पे अगर कंट्री ने $1,00,000 की डिमांड की है तो यहाँ पे आईएमएफ जो है वो $25,000 के फोर टाइम्स में जो है वो कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को कवर किया. फर्दर वीडियोस के अंदर हम आईबी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. सो आप हमारे साथ बने रहिए. अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआरएम का कंप्लीट कोर्स पैक परचेज करना है फॉर दिसंबर 2019 अटेम्प्ट, सो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस.